गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, सो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मम्मी बुला रही है शायद। तो आज हम करने जा रहे हैं 100 रुपीज चैलेंज। सो लिविंग ऑन 100 रुपीज 24 आवर्स चैलेंज हम लोग कर रहे हैं। तो आज हाँ, तो 100 रुपीज में हमको 3 मील खाना है दोनों को। यस, एक जन को नहीं, एक जन के लिए 100 रुपीज नहीं है, तो है ना, एक पर्सन के लिए 50 रुपीज है। तो 100 रुपीज में हमको पूरा दिन निकालना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 टाइम का हमको आज निपटाना है 100 रुपीज में। तो देखते हैं क्या मिलता है, क्या होता है, हमको घूमना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं। सो दिस इज द हीरो ऑफ आवर वीडियो। देखते हैं कि ये चैलेंज हमारा कंप्लीट हो पाता है कि नहीं, और अगर हम कंप्लीट कर पाते हैं तो अच्छा है, और नहीं कर पाते तो हमने पनिशमेंट भी रखा है। मेरे लिए 50 रुपीज, हम लोग के लिए 50 रुपीज। हाँ। जिसका अमाउंट ज्यादा बचता है एट द एंड वो विनर रहेगा, और जो लूजर रहेगा उसके लिए एक पनिशमेंट भी है। तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अप्पे सेंटर 15 रुपीज। अप्पे खाएगी या पोहे खाएगी? I'll go for अप्पे। कितना पीसेस आएगा भैया? 6 पीसेस। तो I'll go for अप्पे, I think 20 रुपए में 6 पोहा पसंद है। 20 रुपए में 6 पोहा। 10 का दे सकते क्या भैया? हाँ दे सकते हैं। हाँ तो 10 के 2 बना दो, 10 के। हाँ वो सही रहेगा। प्याज है, ओके। तो भैया रेडी हो गए 10 रुपए। तो करते हैं ब्रेकफास्ट, 10 रुपीज मेरा, 10 रुपीज अनुगा। 10 रुपीज में क्वांटिटी अच्छी दे रहे भैया। तो चलो ब्रेकफास्ट का तो हो गया है। छह महीना हो गया। तो कैसा कैसा चल रहा है यहाँ पे? तो ये तो मेरे लिए फिलिंग रहेगा, स्टमक फिलिंग, इसमें चना भी है। अच्छा खाते हैं। What do you think? Will it be stomach filling or not? हो जाएगा? बढ़िया। Okay. देखा नींबू तो ना हुआ। Okay. 100 रुपीस। Thank you. So अब बचे हैं? 80 रुपीस। 80 रुपीस, yes. So अब directly हम लोग करेंगे लंच। पेट तो भर गया है वैसे। अभी आएगा, उसमें लंच करेंगे। तो जिनको खाना है यहाँ का साउजी पोहा तो बता देते हैं। yes. ये है गुरुद्वारा रोड पे, अपना गजानन मंदिर के बाजू में। yes. गजानन मंदिर के बाजू में, मतलब काफी, मतलब 15 रुपए प्लेट है, पर भैया ने 10 रुपए में दे दिया, हमने रिक्वेस्ट किया था। तो भैया का दुकान सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ना। हाँ। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहता है, तो आप आके ट्राई कर सकते हैं। yes. पेनड्राइव में घर पे भूल गई थी एंड कुछ एडिटिंग करवाना है हमें, तो इसलिए हम लोग घर आए थे। अभी हम लोग जाते हैं एडिटिंग करवाने के लिए और मिलते हैं आपको। गाइस देखिए, धूप के वजह से ना मैं कवर अप करके जा रही हूँ अपना फेस, पर अभी वो कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो गई मेरी, शादी हो गई, स्टिल अभी वो कोई फिक्र नहीं है, ओपन फेस घूम रहे हैं तू, पर मैं तो बिल्कुल नहीं घूम सकती। सो आई एम वेरी कंसर्न। और अभी हम लोग जा रहे हैं एडिटिंग करने के लिए। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं एक जगह, शिव खोज कर है, जहाँ पे हमें पता चला है कि कुछ सस्ते में मिलता है, बट मिल नहीं पा रहा है यार, कहाँ हो सकता है। गाइस हमको मिल गया, ये बोर्ड लगा है शिव खोज, आई डोंट नो इट्स रिटन लाइक विकलांग सेवा संस्था, लेट्स सी क्या मिलता है। चुका है काम,
कुछ काम से आए थे हम लोग, वो हो चुका है। अभी हो गया है लंच का टाइम और बहुत ज्यादा भूख लग रही है नानू। अभी हम जाएंगे, यहाँ पे हमने देखा था शिव भोजनालय, तो यहाँ पे अभी हम खाने जाते हैं। तभी जाते पूछते हैं ये तो हाँ क्या है यहाँ पे, शिव भोज है यहाँ पे, भोजन मिलेगा आपको। ये तो यार कहाँ कहाँ, किसी ने हमको बताया था, गवर्नमेंट ने बनाया था ये। हाँ हाँ हाँ, एक योजना करके ये शुरू हुई अभी। हाँ तो वही हमको मतलब पता चला कि यहाँ पे है, तो हम मतलब बाकी लोगों को भी बताने के लिए यहाँ पर है कर रहे हैं। राइस आप देख सकते हैं, जैसे दिखा दिया इसके थाली चीज में, टू चपाती, रोटी, दाल, लौकी की सब्जी एंड गाजर अचार, ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। एंड बहुत ज़्यादा फिलिंग है, अगर लंच आप करना चाहो या फिर डिनर भी। आपका टाइमिंग क्या होता है वैसे? 11:00 ओके, तो 11 से 11 बजे से 1 बजे तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और 10 रुपीज में मात्र 10 रुपए में आपको ये पूरी प्लेट मिलेगी। कितना? 5 रुपए 5 रुपए में, मतलब 5 रुपए में आपको पूरा पेट भर के यहाँ पे खाना मिल जाएगा। तो बेसिकली हम तो ऐसा चैलेंज के लिए मतलब आए थे, बट यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पता चला कि इनकी जो संस्था है, ये लोग बाकी सब लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जरूर से आइए, विजिट कीजिए, यहाँ पे टेस्ट कीजिए, और जितना ज्यादा फैला सकते हैं आप ये चीज फैलाइए, ताकि हर जन को पता चले कि ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे ये सब चीजें कर रहे हैं आज भी, और मतलब सेवा करते हैं, और उनको ये सेवा करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसके लिए करते हैं सेवा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई और चीज के लिए कर रहे हैं, पर ये लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो इनको मिलता है उसी वजह से ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। और जब आप अच्छा काम करते हो तो ऑब्वियसली सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है। तो लाइक कभी भी आप यहाँ से गुजरते हो, आपको जरूरत है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और इन्होंने एक चीज बताई है कि ये जरूरी है हैंडीकैप या कोई गरीब है उनके लिए है, रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, किसी के लिए भी है। इस शिप हो है ट्रीट में, जहाँ ये सेफ फ्री कितने की है? 40 रुपीज, तो इट्स आउट ऑफ माई बजट। और गुपचुप 15 रुपीज, तो मैं जा रही हूँ गुपचुप के लिए। अनु ने तो अपना लंच कर लिया वहाँ पे, तो मैं खा रही हूँ गुपचुप विच इज ऑफ 15 रुपीज। तो सुबह का 10 रुपीज एंड 15 रुपीज बिकम 25 रुपीज। आई हैव 25 रुपीज लेफ्ट फॉर माई डिनर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खाते हैं पानी से ही पेट भर लेगा, मीठा थोड़ा ज्यादा, मेरा पेट भर गया। काफी बड़े बड़े हैं। हाँ, फीलिंग भी अच्छी तरह सूखी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री सूखी 15 रुपीज का हो गया। तो फाइनली आई एम डन विद माय लंच एंड ये है सूखा, फुल हो गया। हो चुका है हम दोनों का लंच, अभी हम लोग जाएंगे घर। घर जाके थोड़ा रेस्ट करने के बाद निकलते हैं रात के डिनर के लिए, क्योंकि अभी बज रहा है 4। हम लोग पहुंच गए घर और थोड़ा आराम कर लेते हैं अभी, दोनों को बहुत नींद आ रही है ना अनु? नींद आ रही
तो मेरा सोने का टाइम हो गया थोड़ा रेस्ट करने का, तो रेस्ट कर लेते हैं एंड देन निकलते शाम में डिनर के लिए। फ्रेंड्स के साथ आप पेट भरा कि नहीं? पेट तो मेरा फुल भर गया भोजनालय में, भोजनालय में। और मेरा पता नहीं गुपचुप से भर गया यार, एक्चुअली पानी और जो आलू की क्वांटिटी थी उसमें ज़्यादा थी उस वजह से। हाँ हम फ्रेंड हो गई है रात, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। लेट्स सी कौन विनर रहता है फाइनल। कुछ भी नहीं है, बस यही चीज मिली वड़ा पाव जो 20 रुपए की है और मेरे बचे हैं अभी 25 रुपीज। इसे मैंने डिसाइड किया वड़ा पाव लूंगी। और हम लोग आए हैं एग यूनिवर्स पे, एग यूनिवर्स जो गुरुद्वारा रोड पर ही है। सो मेरा वो रहेगा कि ना 5 रुपीज बचता है, लेती अनु क्या खाते हैं, क्या प्लान है, आप क्या खाओगे, आप कुछ तो सोच के देखते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा। मेरे तो 5 रुपीज ही बच गए, देखते हैं। तो गाइज आ गया है मेरा वड़ा पाव 20 रुपीज में और ये मेरा डिनर होने वाला है। क्रंची यार, ये सॉस की तो गई सॉस क्रंची है, याद बोल रहा मैं सॉस के साथ अच्छा है। तो खाना तो है, तो आप हैविंग माय डिनर। और अनु ने क्या मंगाया है आप बता दीजिए, देख लीजिएगा। तो अनु ने भी ऐसे ऑर्डर कर दिया सोच विचार करके, तो आपको पता चलेगा कुछ ही क्षणों में विनर कौन है। स्टे ट्यून्ड। नॉन भी मंगाया है, क्या मंगाया? प्लेन ऑमलेट। प्लेन ऑमलेट और इसका प्राइस क्या है? 30 रुपीज़ का है। जैसा घर पे लगता वैसे ही है, जोर से बोलिए जरा। जैसा घर पे लगता है वैसी है प्लेन ऑमलेट, मेरे को प्लेन ही पसंद है, प्याज वगैरह वाला नहीं पसंद। हाँ तो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ओके। कितना हुआ? एक प्लेन ऑमलेट और एक वड़ा पाव। हाँ 50 रुपीज़ हो गया हमारा डिनर। अभी हम लोग जा रहे हैं घर फॉर द पनिशमेंट। अब लेट्स सी कौन विनर एंड कौन किसको मिल रही है। Guys, loser है अनु, आप कैलकुलेशन लगा सकते हो बिकॉज आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैं साइड में लिख दूंगी। मेरे हुए हैं 5 रुपीज बच गए हैं एंड अनु के बचे हैं 0 0। तो अनु अभी इसमें से चिप्स उठाएंगे। और देखते क्या निकलता है। पनिशमेंट के लिए अभी मुझे देना पड़ेगा डॉली को 500 रुपीज। ऐसे हमने अलग अलग चीजें रखा था। यस यस। एक में ये लेमन, लेमन, ओह लेमन रखा हुआ था, ये शिटी वाली आती थी। तो फिर इसमें है सोया सॉस, सोया सॉस। तो ये सारा मैं लेके बैठी थी वैसे तो। इसमें विनेगर है, विनेगर, विनेगर और अलग अलग खोलेंगे तो है अलग अलग। और पर इसकी किस्मत है कि इसको पैसे मिले, मनी 500 रुपीज। इसको 500 रुपीज देना पड़ेगा मुझे। सो गाइस आज का चैलेंज 500 रुपए, 100 रुपए के चैलेंज में 500 रुपए घुस गए मेरे। सो आज का चैलेंज यही तक था। तो 500 रुपए डॉली को। सो आज का चैलेंज यही तक था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते रहेंगे हम लोग आपको इसी तरह के वीडियो से। बाय गाइस।